हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग गुड एंड फाइन, एंड आई वेलकम यू ऑल इन आवर नेक्स्ट सेशन ऑफ द सीरीज आई एन एम ओ फ्लैश बैक्स. गाइज, इन दिस सीरीज वी आर सॉल्विंग प्रीवियस ईयर आई एन एम ओ क्वेश्चन पेपर्स स्टार्टेड विद द ईयर 2000, और हम हर वीडियो के अंदर गाइज एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. राइट, सो फार गाइज वी हैव सॉल्व टिल आई एन एम ओ 2010 कम्प्लीटली. सो 11 ईयर्स के पेपर्स हम ऑलरेडी कम्प्लीट कर चुके हैं, स्टार्टेड विद ईयर 2000 टू 2010, एंड यू कैन फाइंड ऑल दोज वीडियोज ऑलरेडी पोस्टेड ऑन द चैनल इफ यू आर इंटरेस्टेड. अगर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड इट अंडर द प्ले लिस्ट सेक्शन. उसके अंदर आई एन एम ओ फ्लैश बैक के नाम से प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, सो आप वहां पर भी देख सकते हो जाके. ओके, सो करंटली वी आर गोइंग टू द आई एन एम ओ पेपर ऑफ 2011, एंड उसके भी बच्चों हमने दो क्वेश्चन कर लिए ऑलरेडी. वी हैव ऑलरेडी डन द फर्स्ट टू क्वेश्चन, एंड विद इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ आई एन एम ओ 2011. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर दैट. ओके, सो बिफोर बिगिनिंग लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ गाइज. माई नेम इज लोहित जिंदल. आई हैव डन माई बी टेक फ्रॉम आई आई टी बॉम्बे, एंड आई बिन टीचिंग मैथमेटिक्स सिंस ग्रेजुएटिंग फॉर वेरियस कॉम्पिटिशन एग्जाम्स लाइक आई आई टी जे ई, के वी पी वाई, मैथमेटिक्स ओलंपियाड एंड ऑल. ओके, सो दैट्स अबाउट मी. तो गाइज देखते हैं आज का क्वेश्चन. आज का जो क्वेश्चन है गाइज, दैट्स अ मिक्स ऑफ एलजेब्रा एंड नंबर थ्योरी. मेजोरिटी नंबर थ्योरी का लॉजिक है उसके अंदर. सो लेट अस हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. ओके, सो गाइज दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ आई एन एम ओ 2011. So guys, again, as always, I would request you guys, please read the question. And please guys, अगर आपने attempt नहीं किया इस question को, video को pause कर लो, and please attempt this question by yourself first. आप खुद से solve करने की कोशिश करो इस question को, although this is not that difficult, I hope आप में से कुछ लोग कर भी पाओगे इसको solve. And that is very good guys. अगर आप में से, देखो simple है guys, as I have told this thing multiple times, repeated multiple times in the previous videos as well. आप लोग, I hope, the same kind of same people, you know, watch this video again and again, I hope. So you're watching the videos, you guys know the standard procedure now, what I say. Ki guys, isko na please pause karke question solve karne ka fayda kya hai, attempt karne ka fayda kya hai. Because if you are able to solve this question, that is well and good, it will boost your morale. Aur agar nahi bhi hota, agar aapne iske upar ek ded ghanta ka time diya isko question ko, hai na, attempt kiya acche se, alag alag ways se isko attack kiya question ko, try karne ki koshish ki alag alag approaches se. Eventually, let's say you're not able to solve the question. At least, जब आप solution देखोगे ना, you'll have a very good understanding of the solution, first of all. और आपको ये भी समझ में आएगा कि वो चार पांच methods जो आपने apply किए, where they fell short, और क्या उसमें गलती थी, क्या नहीं की करना चाहिए था, वो सारी चीजें जब आपकी accumulate होती है ना आपके brain में, subconscious mind में, that will help you a lot in exam scenario. क्योंकि exam के अंदर आपको पता लग जाएगा, समझ में रहेगा फिर कि कौन सा method करना चाहिए, कब apply करना चाहिए. So basically, you know the shortcomings and advantages of each topic, each method basically. तो वो चीज़ आपके benefit को बहुत काम आएगी, right? In the exam scenarios actually. Okay? All right, guys. I hope सबने इस question को attempt कर लिया है. So let us try this question now. Solve this question. तो क्या बोला जा रहा है, guys? Question के अंदर, we have two polynomials, p of x and q of x, right? With their coefficients, integer coefficients. सारे के सारे integer coefficients हैं, such that the difference of the हाईएस्ट पावर एक्स पावर एन के जो कोफिशियंट्स हैं उनका जो डिफरेंस है, दैट इज अ प्राइम नंबर, राइट? ए एन माइनस वन माइनस इज इक्वल टू बी एन माइनस वन. जो एक्स पावर एन माइनस वन का कोफिशियंट है, दैट आर इक्वल. एंड अनदर रिलेशन दैट ए एन बी नॉट माइनस ए नॉट बी एन बी एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी गिवन है आपको. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन एग्जैक्टली डिमांड फ्रॉम अस? इट डिमांड्स टू सो से दैट सपोज देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर आर. लेट से देर इज सम रैशनल रूट, बेसिकली आर जो बोलना चाह रहे वो फॉर सेम रूट है बेसिकली. एक तो कॉमन रूट बोल दिया उसको उसने, उसका दोनों का, एंड दोनों उस पर जीरो हो रहे हैं, दोनों का कॉमन रूट हो गया ना. सो इट इज ट्राइंग टू टेल अस दैट आर इज अ कॉमन रूट, कॉमन रैशनल रूट ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल्स, राइट? ठीक है, सपोज है, वो है रैशनल रूट उसका है, ये बता दिया गया हमें. वट वी हैव टू, वी आर एक्चुअली टू प्रूव इज दैट वी हैव टू प्रूव दैट दैट आर हैज टू बी एन इंटीजर एक्चुअली. कि अगर कोई इसका रैशनल रूट है, मतलब जो इसका रैशनल रूट होगा, दैट हैज टू बी एन इंटीजर. इट विल नॉट बी अ सम ऑफ, नॉट बी लाइक 1 अपॉन 3, 7 बाय 7, 7 बाय 6 और समथिंग लाइक दैट. ठीक है ना, अगर कोई रैशनल रूट अगर आप ले रहे हो, क्योंकि रैशनल रूट उसका है, दैट इज गोइंग टू बी एन इंटीजर ओनली. ये हमें प्रूव करना है. ओके, सो लेट अस डू दिस गाइज. सबसे पहले गाइज क्या करते हैं, एक काम करते हैं, पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स हमें मालूम है, ठीक है? तो क्या करते हैं, आर एज्यूम करते हैं. लेट अस से जो आपका रैशनल रूट आर है, लेट दैट बी ऑफ द फॉर्म यू बाई वी. ठीक है, यू बाई वी फॉर्म का मान लो, है ना. ऑफकोर्स
आप उसको रैशनल मान रहे हो, इसीलिए यू बाई वी मान रहे हो. ऑफकोर्स वी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है. एंड ऑल्सो एंड ऑफकोर्स गाइज, ये जो फॉर्म होगा यू बाई वी का, दैट शुड बी रिड्यूस फॉर्म ना, फर्दर रिड्यूस नहीं होना चाहिए. तो यू बाई वी शुड बी को प्राइम, राइट. सो यू बाई वी शुड बी को प्राइम, यू एंड वी शुड बी को प्राइम. बेसिकली फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकते होने चाहिए ना, इट शुड बी बेसिकली इन द रिड्यूस फॉर्मेट ऑफ द फ्रैक्शन. ये थोड़ी है कि 8/4 लिखा हुआ है तो है तो 2 ही ना, या फिर 4/8 लिखा हुआ है तो 1/2. सो इट इज इन द रिड्यूस फॉर्मेट ओनली, उसी से डिस्कस कर रहे हैं. सो दैट मीन्स जीसीडी ऑफ यू एंड वी इज गोइंग टू बी 1, को प्राइम है. बेसिकली वॉट वी आर ट्राइंग टू से हियर इज आर इज ऑफ द रिड्यूस्ड फॉर्मेट. जो यू बाई वी है दैट इज द मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्मेट, आप उसमें फर्दर कुछ कैंसिल नहीं कर सकते हो. सो गाइस नाउ लेट अस सी व्हाट इज पी ऑफ आर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, राइट. व्हाट इज पी ऑफ आर इक्वल टू 0 मीन. सो एक्चुअली तो गाइस ए एन यू बाई वी रेज टू पावर एन लिखोगे आप, है ना. एंड आगे लिखते हैं ए एन माइनस 1 यू बाई वी रेज टू पावर एन माइनस 1 एंड सो ऑन, प्लस ए वन यू बाई वी प्लस ए नॉट इक्वल टू 0 है, राइट. ओके चलो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू 0 पहले लिख दिया. सो गाइज आफ्टर टेकिंग द एलसीएम मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ. आई विल बी हैविंग द रिलेशन ए एन वी पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 वी पावर एन माइनस 1, यू पावर एन ए एन माइनस 1 इंटू यू पावर एन माइनस 1 इंटू वी एंड सो ऑन टिल ए वन इंटू यू इंटू वी पावर एन माइनस 1 प्लस ए नॉट इंटू वी पावर एन इक्वल टू 0. ये आ गया, दैट इज फ्रॉम पी ऑफ आर इक्वल टू 0. अगर आप ऐसे ही सिमिलरली क्यू ऑफ आर इक्वल टू 0 से क्या आएगा, एग्जैक्टली सिमिलर एक्सप्रेशन है वो, दैट इज बी एन यू पावर एन प्लस बी एन माइनस 1 u पावर n माइनस 1 इंटू वी प्लस एंड सो ऑन, दैट इज ए सॉरी बी वन यू इंटू वी पावर n माइनस 1 प्लस बी नॉट इंटू वी पावर n इक्वल टू 0. सो दीज टू इक्वेशन यू हैव, राइट. एंड यहाँ पे गाइज दोनों का कॉमन रूट है u और v, वो सब सेम है. सो यू कैन सब्ट्रैक्ट इट, कॉमन रूट r है वो चीज़, है ना. सो जस्ट सब्ट्रैक्ट इट. व्हेन यू सब्ट्रैक्ट इट गाइज द इक्वेशन विल बी ए एन माइनस बी एन इंटू यू एन, राइट. प्लस अब देखो गाइज, सिंस यू वर गिवन दैट ए एन माइनस 1 इज इक्वल टू बी एन माइनस 1, दिस एक्सप्रेशन यू आर गिवन, राइट. तो जब ये वाला एक्सप्रेशन कैंसल आउट हो जाएगा ना, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट इट दिस विल गेट कैंसल्ड, दिस पर्टिकुलर टर्म ए एन माइनस 1 इज इक्वल टू बी एन माइनस 1 वो कैंसल हो जाएगा. सो द नेक्स्ट टर्म विल बी ए एन माइनस 2 माइनस बी एन माइनस 2, राइट, टाइम्स u पावर n माइनस 2 इंटू वी स्क्वायर प्लस एंड इट गोज ऑन लाइक एंड तक तो सेम चलोगे आप, ए वन माइनस बी वन यू इंटू वी पावर n माइनस 1 प्लस ए नॉट माइनस बी नॉट इंटू वी पावर n इक्वल टू 0, राइट. दिस थिंग इज क्लियर, सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक टर्म कैंसिल हो गया बिकॉज दैट वॉज गिवन अस टू बी इक्वल, वो कैंसिल हो गया, बाकी सब लिख दिया हमने. सो वॉट विल यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस थिंग गाइज, सिंपल सी बात है गाइज, सिंपल सा लॉजिक देखो. ऑल दीज टर्म्स वुडंट यू बी एबल टू टेक वी कॉमन आउट ऑफ इट, मतलब जो मैंने अंडरलाइन किया दैट टर्म इज डिविजिबल बाई वी, राइट. दैट टर्म इज डिविजिबल बाई वी, आप ऐसे ही बोल सकते हो, उसको राइट साइड पर भी लेके जा सकते हो ना. आप रिमेनिंग टर्म को अगर राइट साइड पर ले जाओगे तो भी लिख सकते हो. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट है, दिस टर्म सिंस ईच टर्म इज कंटेनिंग अ वी, दिस इज डिविजिबल बाई वी, है ना. दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय वी, सो डजंट दैट मीन जो दूसरा एक्सप्रेशन है एंड इट इज इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड भी डिविजिबल है वी से. सो जो रे वाली टर्म है, सो इट इंप्लाइज दैट दिस शुड आल्सो बी डिविजिबल बाय वी, इजंट इट. ये भी तो होना चाहिए ना डिविजिबल बाय वी, इजंट इट. क्योंकि अगर इक्वल टू 0 है, राइट साइड डिविजिबल है वी से, ये वाला पोर्शन डिविजिबल है वी से, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है वो भी डिविजिबल होना चाहिए वी से, है ना. अदरवाइज यू कैन टेक दिस टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एक डायफेंटाइन काइंड ऑफ इक्वेशन बन जाएगी, राइट. और यू कैन फॉर्म अ इक्वेशन लाइक दिस, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ. वी लेफ्ट साइड पे आपका क्या होगा, जो बचेगा वी इंटू सम टर्म्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए एन माइनस बी एन टाइम्स यू पावर एन, ये भी आप लिख सकते हो ना. सो डजंट दिस मीन दैट वी मस्ट डिवाइड दिस, है ना, वही बात लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे. सो इट इम्प्लाइज गाइज दैट वी मस्ट डिवाइड ए एन माइनस बी एन, a n minus b n times
u power n. But guys, since we know that this thing is there, that GCD of u and v, u or v to co-prime hai. So v u power n ko to divide karega nahi, right? It will not divide u power n. So it will actually imply that v divides an minus bn. Usi ko divide kar sakta hai, right? V must divide an minus bn, and that is also a prime. Interesting thing. An minus bn is a prime given equation ke andar. So this implies there are two possibilities, guys. Dekhe, theek hai? If v divides an minus bn, which is again a prime, right? I'll write it here. This is a prime. ठीक है, प्राइम नंबर को डिवाइड कर रहा है एक नंबर, तो कैसे हो सकता है दैट दैट वी वुड आइदर बी वन, है ना, इट कैन आइदर बी वन और वी शुड एक्चुअली बी इक्वल टू ए एन माइनस बी एन. दो ही पॉसिबिलिटीज हैं. सो गाइस, सिंपल सी बात है, अगर वी इक्वल टू वन हो गया फिर तो एनी वे काम खत्म आपका. तो आर तो अपने आप इंटीजर हो गया, यू बाई वी, वेयर वी इज वन, इट बिकम्स इंटीजर, खत्म बात. सो ये वाला पॉइंट तो सही है, इसके इसको आगे एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, है ना. इफ वी इज वन देन आर इज एन इंटीजर, राइट. This implies R is an integer, right? So we are only concerned about this point, ठीक है? So we are only have to consider the this case, जो इसको explore करना है या फिर इसको further हमें solve करना पड़ेगा कि इस case को ये भी तो हो सकता है, तो इसके बारे में सोचते हैं. दूसरे वाले में तो पक्का ही integer हो गया, right? So this a n minus b n is v, correct? So let us put it back in this equation, right? तो देखो गाइस, ये वाला जो ए एन माइनस बी एन है इसको v डाल देते हैं, ठीक है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो गाइस, हर टर्म के अंदर एक अब एक v आ जाएगा ना उसके कारण, तो आप डिवाइड कर देंगे उसको. लेट मी राइट इट, इट विल बिकम क्लियरर. सो अब ए एन माइनस बी एन को मैं v ही लिख रहा हूं, ठीक है. सो इट विल बिकम v इनटू u पावर n प्लस ए एन माइनस टू माइनस बी एन माइनस टू इनटू u पावर n माइनस टू into v square and so on till a1 minus b1 into u into v power n minus 1 plus a0 minus b0 into v power n equal to 0. So what you can observe here is, guys, her term ke andar ek v aa raha hai, usko to main cancel kar sakta hu na. I can remove a value of v, her term ke andar v aa raha hai equal to 0, wo to v common aa jayega, hai na, and v is not equal to 0, so I can divide this whole equation by v. So let me scroll down. So v se divide kar denge guys, you are left with the equation u power n plus a power n minus 2 minus b power n minus 2, right, into u power n minus 2 into v plus and so on plus a1 minus b1 into u into v power n minus 2 plus a naught minus b naught into v power n minus 1 equal to 0. Yahan tak hum aa gaye, right? We are able to reach up to this step. Again, same concept use karenge, guys. If you again observe all the terms except the first term, all the terms, these terms, all are divisible by v. Again, sab ke andar ek term hai v ka. All these terms are divisible by v. So that means it should also divide u power n, right? Yahan pe ye likhte hain. Okay, so let me scroll down. So again, I'll say this also has to be divisible by v. Correct? Simple सी बात होगी फिर से. That this has to be divisible by v. तो कैसे हो सकता है? कोई नहीं सकता. So this implies v must divide u power n. तो इसके क्या possibilities आएंगे? Again, क्या बोलेंगे फिर? Okay. One more thing. देखो. तो गाइज, ये सारा डिविजिबल होना चाहिए v से, वो वाला भी होना चाहिए अगेन. तो v की वैल्यू 1 होगी, नहीं हो सकती, वो तो हमने देख ही लिया ऑलरेडी, नहीं हो सकती है. सो व्हाट इज इक्वल टू v या फिर u होना चाहिए, राइट? ये कर सकते हैं. लेट अस सी अबाउट इट इन सम अदर वे. सोचते हैं गाइज कि रूट कैसे आएगा, ठीक है. अब देखो गाइज, यहां तक हम आ गए. ये n ग्रेटर देन 1 के लिए तो ट्रू नहीं होगा. Can we say that n greater than 1 के लिए ये हो नहीं पाएगा, isn't it? Right? N greater than 1 के लिए क्या होगा बताओ, सोचो. If n is greater than 1 and this is divisible by v, this can never be divisible by v, है ना? But this is not happening. ये तो हो नहीं सकता ना, this is not possible according to the conditions, क्योंकि वो तो co-prime है, u and v are co-prime, तो उसको divide तो कर नहीं सकता.
So for n greater than 1, this is for n greater than 1, you will say this is not possible na, ye n greater than 1 ke liye hoga, theek hai na, but n equal to 1 ke liye equation hi alag ban jayegi aapki. So we can say if u ki power agar 1 hai, sorry 1 se badi hai agar, theek hai na, 2 3 kuch bhi hoga, to ye possible hai hi nahi. But what will happen for n equal to 1? N equal to 1 ke case mein hoga kya? Okay, let me solve it in on this side, theek hai. So ab yahan pe solve kar lete hain. What will happen for n equal to 1? अब n equal to 1 के केस में होगा क्या? आपकी ओरिजिनल इक्वेशन पे चलते हैं, मीनिंग ये वाली इक्वेशन पे क्या आएगा? इट इज a1 माइनस b1, सॉरी राइट, हाँ a1 माइनस b1 इंटू यू प्लस a0 माइनस b0 इंटू v, ये बन जाएगा ना. और यू कैन राइट देन सेपरेटली, एक्चुअली डिफरेंट सेपरेटली लिख लेते हैं रेदर rather than combining them, let us write us write them separately. So that is a1 u plus a0 v equal to 0 and b1 u plus b0 v equal to 0, hai na, n equal to 1 ke liye ye wala case ho jayega, ye wali equations likh rahe hain hum alag se, theek hai, ye ban gaya. Now if it is like this guys, theek hai, ab dekho guys, ye do equation 0 hain, iske liye condition kya aati hai? Basically you can write u by v, अगर आप root लिखना चाहोगे u by v का ratio, both of them should have a solution ना, u by v or minus u by v, you can say minus u by v is equal to a1 by a0, sorry u by v लिख रहे हैं, that is going to be a0 by a1 which is equal to b0 by b1, right, ये वाला बात होनी पड़ेगी. So basically these two being equal means what? It means a naught b1 minus a1 b0, right? Ye aa jayega. This is equal to 0. But in the question, it is given that for n equal to 1, jaise ye wala expression to non-zero hai. Again, a and b0 minus a0 bn. Again, question mein given hai. For n equal to 1 also, it will be true. a1 b0 minus a0 b1 is not equal to 0, right? So this is not happening, given, because it is given. Again, this is not possible. And this is not possible. So what else is possible in this? Kyunki agar ye hoga, to guys, a naught is equal to b naught also na, from this condition a n minus 1 equal to b n minus 1. But we know a naught is equal to b naught. A n minus 1 equal to b n minus 1 hai aapke paas. N is equal to 1. So a n minus 1 is equal to b n minus 1 se kya mila aapko? A naught equal to b naught. And if a naught equal to b naught, what will happen? You subtract the two equations. You'll have a1 minus b1 into u equal to 0, and a1 is not equal to b1, right? Of course, that's a prime, which means u has to be 0. In that case, r is 0. So all the possibilities are covered. Theek hai na, humne ab sari possibilities cover kar li hai is tarike se. You can have a look, right? I'll just summarize. Humne kya kya pehle generally solve kiya. From that case, we said, humne usko jab solve kiya, we got to this point that either v is 1 or v is equal to an minus bn, right? And if v is 1, already sorted, r integer ho jayega. If v is equal to an minus bn, humne uske liye solve kiya, humne prove kiya ki wo possible hi nahi ho raha. N greater than 1 ke liye possible nahi hai, at least. Hai na? N greater than 1 ke liye, 2 ke liye possible nahi hai. Theek hai? 1 ya usse bade value ke liye possible hi nahi hai. Correct? To humne kya kiya? Alag case socha. For n greater than 1, possible nahi hai. N equal to 1 ke liye kya hoga? Humne uske liye solve kiya. Right? And उसके लिए भी हमने सॉल्व किया, तो हमने प्रूव किया कि ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है, a नॉट b1 माइनस a1 b0. सो ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट u हैज टू बी 0, कि रूट ही 0 हो जाए, है ना, बिकॉज उसमें a नॉट इक्वल टू b0 हो गया, तो आपका p ऑफ r जो होगा, p ऑफ r माइनस q ऑफ r, एक्चुअली तो उसमें केस में a नॉट भी 0 होना पड़ेगा. इफ u इज 0, रूट इज 0, देन आप देख सकते हो ना p ऑफ r की वैल्यू, p ऑफ 0 क्या है, a नॉट है, तो उसको भी 0 होना पड़ेगा. ठीक है, सो दिस वे वी प्रूव दैट कि कोई भी फ्रैक्शनल रूट अगर होगा, रैशनल रूट अगर होगा a by b या फिर u by b फॉर्म का, इट हैज टू बी एन इंटीजर ओनली. ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट या तो उस केस में फाइनली 0 हो जाएगा इन सम पर्टिकुलर केस, देन द पावर इज 1 और सो, लीनियर पॉसिबल होगा अगर, एंड कोई भी बड़ी पावर होगी तो वो रूट 1 होना पड़ेगा और v इक्वल टू an माइनस bn होना पड़ेगा, वो पॉसिबल होता नहीं आगे चल के. राइट, वी हैव एक्सप्लोर्ड ऑल द पॉसिबिलिटीज. राइट, सो आई होप गाइस ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, मजा आया इस क्वेश्चन को करने में.
right? If you did so, please like this video and subscribe to our channel, theek hai, so that you get the regular updates and you can do this consistently, okay, regularly. Okay, guys, that's it for my side. Theek hai? So we'll come with, basically with this, we have done three questions of INMO 2011. So half of the paper is done. So in the next video, we'll be coming back with the fourth question of INMO 2011. So till then, keep practicing and all the best, guys. Take care. Bye-bye.